फर्स्ट टाइम आया था तो ये फॉर्म लेके गया था। बहुत देर से मैं घर से बाहर गया था और बहुत देर बाद आया हूँ मैं घर पे, तो ये ना पूरा लाड़ में आ गया है। तो गाइज ये है लाइसेंस, यहाँ पे लिखा है डॉग लाइसेंस। ये जो लाइसेंस है डॉग का और ये जो बैच है ये हमें तब काम में आता है। तरकसका मंडली, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है आदित्य भलेरा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं आज ये पेपर सबमिट करने जा रहा हूँ NMC के ऑफिस में। तो जिन लोगों ने मैं जब ऑफिस में फॉर्म लेके आया था वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा। मैं ऑफिस में गया था तो उन लोगों ने मुझे ये वाला फॉर्म दिया था और इस फॉर्म के 8 जेरोक्स मार के इस पे 8 नेबर्स की साइन लेके आने के लिए बोला था। और वहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सबमिट करते वक्त, अपने डॉग के वैक्सीनेशन कार्ड की जेरोक्स लगेंगी। ये है मेरे डॉग के वैक्सीनेशन कार्ड की जेरोक्स और मेरे आधार कार्ड की जेरोक्स। तो मेरे मन में ना ऐसे बहुत से सवाल है इसके रिलेटेड, तो चलो अगर चांस मिला तो हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं। आज मेरा तीसरा दिन है, ये थर्ड टाइम है मेरा आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आया था तो ये फॉर्म लेके गया था और सेकंड टाइम आया था तो सर नहीं थे ऑफिस में। अभी थर्ड टाइम आया हूँ तो जाके देखते हैं। तो गाइस आ चुका हूँ मैं घर पे और फाइनली आज अपना काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तो क्या होगा एक मिनट रुक। बहुत देर से मैं घर से बाहर हूँ ना इसलिए वो एकदम से हो गया। बस बहुत देर से मैं घर से बाहर गया था और बहुत देर बाद आया हूँ मैं घर पे, तो ये ना पूरा लाड़ में आ गया है। मैं ना अगर इसको ज़्यादा देर से अगर दिखूँ नहीं तो ये पूरा पगला हो जाता है। वैसे तो मेरी शॉप जो है मेरे घर पे ही है नीचे में, तो मैं इसको मिलते रहता हूँ दिन भर में। बट अगर बहुत टाइम के लिए अगर मैं घर से बाहर चला जाऊँ तो अगर इसको दिखा नहीं तो ये पूरा पगला जाता है। हाँ तो मेन टॉपिक पर आते हैं। अभी क्लीन शेव करके आया और इसने चाटा तो अभी बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो गाइस बताना मुझे मैं दाढ़ी में अच्छा लगता हूँ या फिर क्लीन शेव में। तो हाँ तो गाइस ये है लाइसेंस, यहाँ पे लिखा है डॉग लाइसेंस नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। और ये नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है और यहाँ पे लाइसेंस नंबर, वेट, ये क्या है पता नहीं मुझे ये सब। ये देखो वैलिडिटी 31 मार्च तक रहेगी इसकी, 2023 तक। मतलब अभी कैसा है, मैंने मई महीने में ये लाइसेंस लिया है तो अगले मार्च महीने तक ये वैलिड रहेगा। मतलब अगर आप जनवरी के 2023 को भी अगर आप लाइसेंस लोगे तो ये मार्च महीने में इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे डॉग ओनर का नाम आता है और यहाँ पे अपना एड्रेस आएगा और यहाँ पे बैच नंबर आएगा। बैच नंबर मतलब इस पे ये नंबर लिखा है देखो 163, तो ये नंबर आएगा। और यहाँ पे आपके डॉग का नेम आएगा, मैंने तो यहाँ पे निकनेम ही डाला है और जो रजिस्ट्रेशन नेम है वो नहीं डाला, चलता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ब्रीड आएगी, जैसा मेरे पास रॉटवेलर ब्रीड है तो यहाँ पे ब्रीड मेंशन की हुई है। और अपने रॉटवेलर का कलर तो एक ही आता है, ब्लैक एंड टैन, तो ये आया है। यहाँ पे इसका सेक्स आया है मेल और वो इसका एक ईयर होने का है, तो यहाँ पे ईयर में कुछ मेंशन नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे 7 मंथ का है तो 7 मंथ मेंशन किया है। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन मेंशन की है, आप ये स्क्रीनशॉट निकल के अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये जो लाइसेंस है डॉग का और ये जो बैच है ये हमें तब काम में आता है जब हमारा डॉग किसी को बाइट कर ले, तो उस टाइम पे हमें ये लाइसेंस काम आता है। वैसे तो डॉग कोई भी डॉग रहो
उनको बिना तकलीफ हुए किसी को बाइट नहीं करते। मतलब अगर कोई जबरदस्ती, कैसा है बहुत से लोग रहते हैं कि जबरदस्ती डॉग को पत्थर मार देते हैं, डंडा मार देते हैं, उनको भगाने की कोशिश करते हैं, अगर उनको तकलीफ हुई तो ऑब्वियसली बात है वो बाइट करेंगे। तो वैसे बिना वजह तो किसी को बाइट करते नहीं। तो अगर उस समय अगर आपके डॉग ने किसी को बाइट कर लिया और अगर उसने आपकी कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन में, आप पर वैसे तो केस लगेंगी, बट डॉग के लिए ये पेपर बहुत काम में आएंगे उस टाइम पे। और नहीं तो ऐसा कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर आप डॉग घुमा रहे हो, मतलब आपके एरिया में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो काढ़ा करने में माहिर रहते हैं, वो लोग भी कंप्लेंट डाल सकते हैं कि भाई इनके डॉग की वजह से हमें परेशानी होती है, ये हमारे पीछे बाइट करने के लिए भागता है, कुछ भी झूठा झूठा बोल के वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उस टाइम में भी आपको ये बहुत काम में आ सकता है। और गाइज मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि अपने ड्रेको के पेपर आ चुके हैं, मतलब मेरे हाथ में आने के हैं, ब्रीडर के पास आए हुए थे, तो उन्होंने बस दो दिन हो गए उधर से पोस्ट कर लिया है, तो अभी बस कल या परसों में मेरे हाथ में आ जाएंगे, फिर मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा और उसके ऊपर ड्रेको का क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन नेम उसका क्या है और उसकी पेडिग्री, मतलब उसकी जो लाइन है वो क्या है क्या नहीं, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जाइए अभी जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और ऑल पर भी क्लिक कर लेना। वीडियो बनाने के लिए कूलर बंद कर दिया था और ये देखो गर्मी की वजह से कैसे हाफ रहा है। कूलर स्टार्ट कर देता हूँ मैं। दिन भर इसको कूलर में रखना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए भी मैं इसको गर्मी में नहीं बैठने देता क्योंकि गर्मी की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई, तब से मैं इसकी मतलब गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए। चलो ड्रेको, चलो चल चल गाइज, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइज आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मैं आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।